सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भी जेड अल्टीवर यूज़ करते हो लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, जब भी आप एंड्रॉइड वाले फोल्डर में जाओगे, यहाँ पर आप जाते हो ओवीवी फोल्डर में, यहाँ पर आपको कुछ भी शो नहीं करता, आपको शो करता है एक्सेस डिनाइड का एरर। ठीक है, यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मुझे एक ओवी फाइल फ्री फायर की शो कर रही है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ भी शो नहीं करता, आपको सिर्फ एक एरर शो करता होगा एक्सेस डिनाइड का। ठीक है, तो इसका क्या सोल्यूशन है आज के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो मेरे तक बने रहिएगा, अगर आपका वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। अभी बिना किसी देर की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मुझे ऐसे कोई इशू देखने को नहीं मिल रहा है मेरे जेड अल्टीवर में, लेकिन अगर आपको आ रहा है तो यहाँ पर आप क्या काम करना होगा मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करना है, मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन कर लेना है, और जैसे मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन कर लोगे उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा। जैसे कि आप स्क्रॉल डाउन करोगे आपको ऐप्स का ऑप्शन मिल रहा है, आपको ऐप्स पे क्लिक करना है। ऐप्स पे क्लिक करने के बाद मैनेज ऐप्स पे क्लिक कर देना है। जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करते हो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, और जैसे हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे उसके बाद जितनी भी ऐप्स यहाँ पर जो है लोडिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें सर्च करना होगा फाइल्स। ठीक है, यहाँ पर हम फाइल सर्च कर लेना है। यहाँ पर हमारे सामने तीन आ जाएंगे, फाइल मैनेजर, फाइल्स और फाइल्स बाय गूगल। ठीक है, हमें तीनों को बारे बारे से ओपन कर लेना है। सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर फाइल मैनेजर में, और यहाँ पर जाने के बाद आप क्लियर डाटा पर क्लिक करके क्लियर कैच करना है। ठीक है, जैसे आप क्लियर कैच करोगे यहाँ पर आपका जो है फाइल मैनेजर का कैच यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, लेकिन जैसे आप क्लियर ऑल डाटा करोगे तो इससे जो है जितना भी डेटा वगैरह होगा आपका सब डिलीट हो जाएगा। तो आपको क्लियर ऑल डाटा नहीं करना है, आपको सिर्फ क्लियर कैच करना है। और दूसरे यहाँ पर हमें आना है फाइल्स में। फाइल्स में आने के बाद यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिला है अनइंस्टॉल अपडेट का, आपको इस पर क्लिक करके अनइंस्टॉल अपडेट कर लेना है। ठीक है, इससे आप कोई भी डेटा वगैरह इरेज नहीं होगा, बस आपको यहाँ पर अनइंस्टॉल अपडेट कर लेना होगा। फाइल्स में गूगल में आएंगे और यहाँ पर गाइस आपको सेम करना है, क्लियर कैच यहाँ से आपको कर देना है, इसका भी क्लियर डेटा नहीं करना आपको। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे आप ये काम करोगे और यहाँ पर आपको जो जेड अल्टीवर को यहाँ से डिलीट कर देना है। ठीक है, यहाँ से आपको डिलीट करके प्ले स्टोर में जाके दोबारा से इसे जो है जेड अल्टीवर सर्च करके इसे इंस्टॉल कर लेना है। बस गाइस आपको यही काम करना होगा, और ये काम करने के बाद अगर आप करना चाहो तो अपने मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट भी कर सकते हो, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। और जैसे आपका मोबाइल ऑन यहाँ पर ऑफ हो गया ऑन होगा, जैसे आप जेड अल्टीवर में जाओगे आप देखेंगे कि आपकी ओवी फाइल सब यहाँ पर शो करेगी, और आपको जो है अपने जेड अल्टीवर को डिलीट करके इंस्टॉल जरूर से कर लेना, ये सबसे मेन काम हमारा। ठीक है, जैसे आपका जेड अल्टीवर इंस्टॉल होगा तो आप देखेंगे यहाँ पर आपकी ओवी फाइल शो करने लग जाएगी। तो बस गाइस आज की वीडियो में आपको यही बताना था, होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं वीडियो में, टेल माय टेक केयर, लव यू ऑल।